चलिए आपको एक बार फिर से ओडिशा लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, क्योंकि आज सुभद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और ऐसे में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इसका फायदा होने वाला है। अब हमारे महिलाओं के सपनों को, आकांक्षाओं को उड़ान भरता हुआ देखेंगे एक विशेष ऑडियो विजुअल के जरिए। कैन वी हैव द एवी प्लीज। कुंतला मीना संध्या बासंती मंजू रश्मि ए समस्तंक भितरे दौड़ुछि किछि स्वप्न। किए चाहुछि माछ चाष करिबाकु तो किए चाहे टेलरिंग बा अन्य किछि भलो व्यवसाय करिबाकु, कहार पुणि स्वप्न उच्च शिक्षा पाई किछि करि देखैबाकु। किंतु सभिंकर समस्या गोटिए, एते स्वप्न को धन काहे। अंधार को हटाई एबे किंतु उइसारिछि नुआ सूर्य, आसिछि शुभा बेला। मोदी देइथिबा प्रतिश्रुति को पूरण करिछंती मोहन सरकार, ताहा भी मात्र 100 दिन भितरे। आने वाले 25 साल महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से उड़ीसा देश की विकास यात्रा के ग्रोथ इंजन में की एक होगा। ओडिया अस्मितार प्रतीक प्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र और मां सुभद्रा कृपार आज मान्यवर प्रधानमंत्री हाथ से शुभारंभ हो सुभद्रा। ओडिशा इतिहास सबुठारु बड़ महिला कल्याण योजना सुभद्रा, एथिरे सामिल हेबे 1 कोटी अधिक महिला। आम पाई सुभद्रा योजना आसी एबे आमे महिला माने परिवार चले। मो सुभद्रा योजना टंका रु गोटे ब्यूटी पार्लर टे करिया को चाहूछ। सुभद्रा टंका पाइले मो आचार व्यवसाय करबी। आमे देखिथिबा स्वप्न एबे पूरण हेबो। आत्मनिर्भर हेबा पाई मा मानंकर ए स्वप्न सबु एबे नेबा को जाउछि वास्तवतार रूप। माध्यम हेबो सुभद्रा। एबे महिला माने भी जोड़ी हेबे डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था सह। होइले नारीर आर्थिक प्रगति, परिवारर हेबो उन्नति, समाजर हेबो विकास। उन्नति पथरे धाइबो गांठ सहर, सशक्त हेबो मातृशक्ति, विकसित हेबो ओडिशा। सशक्त सुभद्रा, सशक्त ओडिशा। सुभद्रार शुभारंभ पाई सबु महिला मानंकु शुभेच्छा अभिनंदन। आज के इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 15 लाख हिताधिकारियों को सैंक्शन लेटर्स प्रदान किए जा रहे हैं और 10 लाख हिताधिकारियों को पहली किश्त भी दी जा रही है। इसी के साथ आवास प्लस ऐप का भी शुभारंभ होने जा रहा है, जिससे नए परिवारों को जोड़ने का अवसर खुलेगा। अत्यंत प्रसन्नता के साथ आपको बताना चाहूंगी कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 कार्यक्रम का भी शुभारंभ होने जा रहा है। नेशनल हाईवेज की तरफ से 1,000 करोड़ के प्रकल्पों का शिलान्यास किया जाएगा एवं रेलवेज की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 4 प्रकल्पों का राष्ट्र को समर्पण किया जाएगा, जिसकी कुल लागत लगभग 2,900 करोड़ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी वह रिमोट का बटन दबाकर सभी परियोजनाओं का शुभारंभ, शिलान्यास तथा राष्ट्र को समर्पण करें। श्री नरेंद्र मोदी जी।